स्वतंत्रता संग्राम रो इतिहास पई पूरा देश गर्वित एकता और संकल्प प्रेरणा साजिछि गोवा देशर विकास क्षेत्र रे गोवार स्थान गुरुत्वपूर्ण गुड गवर्नेंस रा एक बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी गोवा मुक्ति दिवस समारोह अवसर रे गोवा रे आयोजित अनेक कार्यक्रम रे जोग देछंती ओ अनेक विकासमूलक प्रकल्प रा भित्ति प्रस्तर स्थापन करछंती 450 वर्ष परे पोर्तुगीज को शासन कबल रु मुक्त होइतिबा गोवा पई भारतीय सशस्त्र बाहिनी द्वारा परिचालित ऑपरेशन विजय स्वाधीनता संग्रामी को सम्मानित करिछंती प्रधानमंत्री गोवार मुक्ति पई दिया जायतिबा संघर्ष एवं बलिदान पूरा भारत पई प्रेरणा 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियों भी हमारे सामने है। हमारे सामने आज हमारे संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। हमारे सामने लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिनकी वजह से हमने कम समय में एक लंबी दूरी तय की है। गोवावासी निजर भारतीयता केबे भूली नहंती गोवार मुक्ति संग्राम देशर एकता एक ज्वलंत उदाहरण बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। गोवा का इतिहास स्वराज के लिए भारत के संकल्प का ही प्रतीक नहीं है, ये भारत की एकता और एकजुटता का भी जीता जागता दस्तावेज है। गोवा ने शांति के साथ हर विचार को फलने फूलने की जगह दी। कैसे एक साथ हर मत मजहब संप्रदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत में रंग भरते हैं, गोवा ने ये करके दिखाया है। गोवा को मिली प्रकृति एक चिरंतन उपहार, किंतु यहाँ सहित वर्तमान सरकार गोवा को समस्त स्तर रे सबुठारु श्रेष्ठ स्थान रे पहुंचाई। आज गोवा सबुति रे प्रथम रे रही जहाँ की पूरा देश पाई एक प्रेरणा साजिछि बोली एही अवसर रे कहिछंती प्रधानमंत्री। वो गोवा की एक और पहचान सशक्त कर रही है। ये नई पहचान है हर काम में अव्वल रहने वाले टॉप करने वाले राज्य की पहचान। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों की पसंद तो गोवा रहा ही है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस का सवाल हो तो गोवा टॉप पर है। यही अवसर रे गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सामंत का सह गोवा मंत्रिमंडल अन्य मंत्री माने उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस्ट न्यूज।